Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are practicing the exercises that we are doing in the video classes, and you all are clearing your doubts also. You know that recently we have started unit 5, that is division of your maths textbook, and we have done few exercises. Two exercises we have completed. In today's video, we will be doing multiplication and division factor, which I had started in the previous video. Previous video मैंने इसको बस start किया था, आपको beginning इसका बताया था, starting just आपको बताया था. आज के video में इसे मैं और एक अच्छे से explain करूंगी with some more examples. So let's do multiplication and division factor. Multiplication and division facts. Children, for every multiplication fact, there are two division facts. Okay, one multiplication fact gives two division fact. ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल से समझाया था. Let me elaborate it. किस तरह से ये होता है? जैसे फोर मल्टीप्लाई बाय 20, फोर मल्टीप्लाई बाय 20, सॉरी टू, फोर मल्टीप्लाई बाय टू कितना होगा? फोर टूज आर एट, फोर टूज आर एट, मतलब टू को आप फोर टाइम लिखोगे तो एट आएगा. फोर टूज आर एट, दिस इज मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. ठीक है, नाउ दिस मल्टीप्लीकेशन फैक्ट विल गिव टू डिवीजन फैक्ट्स. कैसे? नाउ दिस एट, अब इसका डिवीजन फैक्ट मैं आपको बताती हूँ. दिस इज मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. ओके, ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है. मल्टीप्लीकेशन Now this will give two division facts. How? Now this 8, ये 8 आप अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 आंसर मिलेगा, और इसी 8 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 4 आंसर मिलेगा. This is division fact. इसको बोलते हैं division fact. ठीक है, 8 divided by 4 will give 2 and 8 divided by 2 will give 4. मतलब 4 2s are 8 जब आप करते हो, इस 8 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा और 2 से डिवाइड करोगे तो 4 मिलेगा. मतलब इन्हीं दोनों में से ही आपको आंसर मिलेगा. गॉट इट? दिस इज कॉल्ड डिविजन फैक्ट. 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 वन्स आर 4, 4 टूज आर 8, 4 टूज मतलब 2 को 4 बार लिखोगे तो 8 मिलेगा. ठीक, और यहां पर 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 2 वन्स आर 2, 2 टूज आर 4, 2 थ्रीज आर 6, 2 फोर्स आर 8. मतलब 4 को 2 बार लिखेंगे तो 8 मिलेगा. इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा. ठीक है, 4 टूज आर 8, 4 टूज है ना, 4 बार लिखा है ना, तो 4 टूज मतलब 4 टेन टूज विल गिव 8. ठीक है, 4
4 10 2s will give 8 or 2 times 4, 2 4s, though 4, 2 4s will give 8. या तो 2 को 4 बार लिखो तो 8 मिलेगा, या 4 को 2 टाइम्स लिखो तो 8 मिलेगा. 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8. आंसर तो कैसे भी 8 ही मिल रहा है. दिस इज कॉल्ड डिविजन फ्रैक्शंस. व्हाट, समझ में आया? तो एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दो डिविजन फैक्ट्स देता है. ठीक, चलिए अभी और हम इस तरह के प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स डू, राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर द गिवन मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. क्वेश्चन क्या है? राइट द डिवीजन फैक्ट्स फॉर द गिवन मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स. Given चलिए कौन कौन से मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स दिए हैं. 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज 42. हमारा फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 गिव्स 42. 7 6 आर 42. चिल्ड्रन 7 6 आर 42, 6 7 आर ऑल्सो 42, है ना. 7 6 आर 42 या 6 7 आर 42, मतलब 6 को आप 7 बार लिखो सेवन सिक्स आर, सेवन सिक्स, सेवन टाइम्स सिक्स गिव्स 42, या सिक्स टाइम्स सेवन लिखेंगे या सिक्स टाइम्स सेवन लिखेंगे तो भी 42 ही मिलेगा. या तो सिक्स को आप सेवन बार लिखो या सेवन को सिक्स बार लिखो, आंसर मिलेगा 42. तो इसी के बेसिस पर हम करते हैं डिवीजन फैक्ट. 42 को आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6, ठीक है. और इसी 42 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 7. बस यही दो नंबर जो है आंसर में आएंगे, क्योंकि हम डिवाइड भी इन्हीं दो नंबर में से कर रहे हैं, है ना. हमारा डिवीजन भी इन्हीं दो नंबर से ही हो रहा है ना. हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा और 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम 7 टाइम्स जब 6 लिखते हैं तो 42 मिलता है और 6 टाइम्स 7 लिखेंगे तो भी 42 मिलता है, ठीक है. इसीलिए ये हमारा जो डिवीजन फैक्ट है वो ये होगा. Got it? तो इसको थोड़ा मैं जगह बचाने के लिए let me write it like this. 42 divided by 7 will give 6 and 42 divided by 6 will give 7. ठीक है, ये दो division facts हैं. ये हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है और ये हमारा डिवीजन फैक्ट. ठीक, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आता है? 3 8s आर 24, 3 8s आर 24 या 8 3s आर 24.
है ना, 3 8s are 24 या 8 3s are 24। इसका मतलब क्या हुआ, 8 + 8 + 8 3 8s 3 8 3 8s are 24 या 8 3s 8 times 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 3 8s 3 times 8 are 24 या 8 times 3 लिखेंगे तो भी 24 आएगा। 8 + 8 + 8 is 24 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ऐसे 8 बार 3 को प्लस करेंगे तो भी 24। ठीक, तो जब इसका डिविजन फैक्ट हम करते हैं तो हम 24 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। और इसी 24 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। मतलब अगर मैं 3 से डिवाइड किया तो 8 और 8 से डिवाइड किया तो 3। ऐसा क्यों होता है ये मैंने यहां एक्सप्लेन किया है ना, कि 8 को 3 बार प्लस करोगे तो 24 आएगा, या फिर 3 को 8 बार प्लस करोगे तो भी 24 ही आएगा। गॉट इट? तो ये हमारे टू डिविजन फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू 3 × 8। ओके, नेक्स्ट है 7 × 4। सेवन फोर्स आर ट्वेंटी एट या फोर सेवन्स आर ट्वेंटी एट मतलब सेवन टाइम फोर। सेवन फोर्स मतलब 7 times जब आप 4 को प्लस करोगे, 7 fours 1 2 3 4 5 6 7 7 fours कितने होंगे, 28। 7 times जब आप 4 को ऐड करोगे यू विल गेट 28 या फिर 4 sevens 4 sevens 4 seven को जब आप प्लस करोगे तो भी आपको 28 ही मिलेगा। ठीक है, 7 fours are 28 या 4 sevens are 28। तो डिविजन फैक्ट हमारा क्या आएगा, 28 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 4 और 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 7। यस, 7 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 4। ठीक है, और इसी 28 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 7। दिस इज कॉल्ड डिविजन फैक्ट, इसी को कहते हैं डिविजन फैक्ट। और ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। ठीक, चलिए और कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 6 × 3 6 × 3 6 × 3 is 18 6 threes are 18 या 3 6s are 18 6 threes are 18 या 3 6s are 18 समझ में, 6 threes मतलब 3 + 3 + 3 + 3 + 3 and + 3 how many threes are there, 6 6 times 3 gives you 18 3 को अगर 6 बार प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 18। ठीक,
थ्री सिक्स, थ्री टाइम अगर आप सिक्स को ऐड करोगे, वन टू एंड थ्री, तो भी आपको मिलेगा 18. सिक्स प्लस सिक्स और प्लस सिक्स, मतलब थ्री बार सिक्स प्लस करने पर आपको मिलता है 18, या थ्री को सिक्स बार प्लस करोगे, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री करेंगे तो भी 18 ही मिलेगा. तो डिविजन फैक्ट हमारा क्या आएगा, 18 डिवाइडेड बाय सिक्स, सिक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, थ्री. वेरी गुड. और 18 को जब थ्री से डिवाइड करेंगे तब क्या मिलेगा, सिक्स. गुड. अब समझ में आ रहा है ना आपको क्यों ऐसा होता है, ये भी आपको समझ में आ रहा है, गॉट इट. चलिए बाकी और देख लेते हैं क्या है. नेक्स्ट है हमारा 9 मल्टीप्लाई बाय 5. मतलब 9 फाइव्स आर 45, या 5 नाइन्स आर 45. समझ में आ रहा है, 9 फाइव्स आर मतलब 5 को जब आप 9 बार प्लस करोगे, मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसे 9 टाइम्स जब आप प्लस करोगे तो आपको आंसर आएगा 45. ठीक. या फिर आप 9 को 5 बार लिखो, 9 को 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, मतलब 5 टाइम्स आप 9 को प्लस करोगे तो 45 मिलेगा. या फिर 5 को आप 9 टाइम्स प्लस करो तो भी आपको 45 ही मिलेगा. तो इसका डिविजन फैक्ट हम बनाएंगे कैसे, 45 हम लिख देंगे, उसको जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5, और 45 को ही, यहां पे कॉमा नहीं डाला मैंने, 45 को ही जब 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 9. ठीक है. तो इस तरह से हम डिविजन फैक्ट्स निकालते हैं, उन्हीं दो नंबर में से ही आपका आंसर आता है. नेक्स्ट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 9. फोर नाइन्स आर 36, या 9 फोर्स आर 36. फोर नाइन्स आर 36, या 9 फोर्स आर 36. फोर नाइन्स आर मतलब 9 को आप 4 बार प्लस करो, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, मतलब 4 टाइम्स जब आप 9 को प्लस करोगे तो आपको 36 मिलेगा. ठीक है, 4 नाइन्स, या फिर 9 फोर्स, 9 टाइम्स 4 लिखो, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे 9 बार आप अगर 4 को प्लस करोगे, 4 को 9 टाइम्स लिखकर प्लस करो तो भी आपको 36 ही मिलेगा. ठीक है, इसीलिए जब डिविजन फैक्ट इसका बनेगा तो क्या बनेगा, 36 डिवाइडेड बाय 4 विल गिव 9, एंड 36 डिवाइडेड बाय 9 विल गिव 4. ठीक है, इसको बोलते हैं डिविजन फैक्ट. आपको समझ में आ गया होगा डिविजन फैक्ट. फ्यू मोर आर लेफ्ट, लेट्स डू दैट ऑल्सो, उसको भी मैं कर ही देती हूं आपके लिए, फिर आप घर पे आराम से प्रैक्टिस करना. अब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3
मल्टीप्लाई बाय 7 विल गिव 21. मतलब 3 7s are 21 या 7 3s are 21. 3 7s are मतलब 7 को आप 3 बार प्लस करो, 7 plus 7 plus 7, 3 7s मिलाओगे तो 21 मिलेगा. या 7 3s 7 times 3, ठीक है, 7 times 3 लिखोगे, 3 3 3 3 3 ऐसे 7 times जब आप प्लस करोगे तो आपको 21 मिलेगा. ठीक, हम जब रिपीटेड एडिशन के फॉर्म में देखते हैं तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि 21 को जब आप 7 अगर आप इक्वल पार्ट्स करोगे, 21 के 7 जब इक्वल पार्ट्स करोगे तो हर पार्ट में 3 आएगा. और अगर 21 को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटोगे तो हर पार्ट में 7 7 मिलेगा. ठीक है, गॉट इट. नेक्स्ट, 8 multiply by 7. Eight sevens are 56 या 7 eights are 56. 8 को आप अगर 7 times लिखते हैं, 8 को आप अगर 7 times लिखते हैं तो आपको, मतलब 7 times add करते हैं तो आपको 56 मिलेगा. और 7 को आप अगर 8 times add करेंगे तो भी आपको 56 मिलेगा. ठीक, तो इसका डिविजन फैक्ट कैसे बनाएंगे? 56 के अगर आप 8 इक्वल पार्ट्स करते हैं, 8 अलग अलग बराबर पार्ट करते हैं तो हर पार्ट में 7 7 आएगा. किसी भी सामान के अगर आप 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर ग्रुप में 7 7 मिलेगा. या कोई चीज 56 है और उसके आप 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में 8 8 आएगा. इस तरह से हमारा जो डिवीजन फैक्ट है वो, दो डिवीजन फैक्ट जो थे, 2 डिवीजन फैक्ट जो है वो बन जाएंगे. आई होप ये आपको डिवीजन फैक्ट समझ में आ गया है ना. नाउ विल डू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, नाउ यूजिंग टेबल्स फिल इन द प्लेस होल्डर्स. नाउ आपको मल्टीप्लीकेशन टेबल आता है तो उसी को बोलते हुए आपको कुछ प्लेस होल्डर्स हैं जो आपको फिल करने हैं. ठीक है, लेट्स डू दैट. यूजिंग टेबल्स फिल इन द प्लेस होल्डर्स. अब इसको खत्म कर लेते हैं.
चलिए इसको पहले देख लेते हैं. वन सिक्स और सिक्स, एंड सिक्स को आप अगर सिक्स से डिवाइड करते हैं, सिक्स को सिक्स से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? सिक्स के टेबल में सिक्स कितनी बार बनता है? सिक्स वन सर सिक्स. सिक्स के आप अगर सिक्स की ग्रुप में बांटेंगे तो एक ही सिक्स बनेगा ना. टू सेवन सर फोर्टीन, और उसी फोर्टीन को जब आप टू से डिवाइड करेंगे, सिक्स सेवन सर टू सेवन सर फोर्टीन, ठीक है, और इसी 14 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 7. उसी 14 को 2 से करेंगे तो यू विल गेट 7, है ना. अभी हमने किया ना डिवीजन फैक्ट, वैसे तो आपको टेबल्स अगर आ रहे हैं तो भी कर सकते हैं, और डिवीजन फैक्ट आपको समझ में आ गया है तो भी आप इसे बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है. फोर एट सर, फोर एट सर टेबल आपको आता ही है, 4 8 32, और इसी 32 को जब 8 से डिवाइड करेंगे, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगी? अभी हमने डिवीजन फैक्ट किया ना, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4. बस हो गया. 8 के 32 जो है, 8 से डिवाइड करेंगे मतलब 8 के टेबल में 32 कितनी बार में आएगा? 4 बार में आएगा. या 32 के अगर हम 8 इक्वल ग्रुप्स बनाएं तो हर ग्रुप में कितना आएगा? 4 4 4 4 आएगा. गॉट इट? इसका मतलब यही हुआ कि अगर 32 के 8 इक्वल पार्ट्स किए जाएं, ठीक है, 32 के 8 इक्वल पार्ट्स किए जाएं तो हर ग्रुप में 4 4 आएगा. नेक्स्ट, थ्री नाइन सर, थ्री नाइन सर 27, वेरी गुड. अब इसी 27 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगी, थ्री नाइन सर 27, एंड 27 डिवाइडेड बाय 9 विल गिव 3, ठीक है. 27 के अगर 9 ग्रुप्स बनाए तो हर ग्रुप में 3 3 3 3 रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज सेवन सिक्स, ये टेबल आपको आना जरूरी है, टेबल आएगा तभी आप कर पाएंगे. सेवन सिक्स 42, गुड. अब इसी 42 को, सेम 42 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, 42 डिवाइडेड बाय 6 विल गिव 7. मतलब 42 को आप 6 इक्वल पार्ट करेंगे तो हर पार्ट में आएगा 7 7 7 7, ठीक. नेक्स्ट इज 9 7, चलिए 9 7 सर, 9 7 सर 63, गुड. इसी 63 को 7 से डिवाइड करोगे तो 9 मिल जाएगा, बिल्कुल उल्टा चल रहा. देखो 63 को 7 से डिवाइड किया 9 मिलेगा, 63 को 7 से डिवाइड किया 9 मिलेगा. मतलब किसी चीज के, कोई 63 चीजें हैं उसके आप अगर 7 इक्वल ग्रुप्स बनाएंगे, 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में 9 9 आएगा. गॉट इट? नेक्स्ट रिकॉर्ड देख लें, 5 9 एंड 5 9 45. सेम इसी 45 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 5. इसका मतलब ये हुआ कि कोई 45 चीजें हैं और उसके आपने 9 इक्वल पार्ट्स किए तो हर पार्ट में कितना आएगा? 5 5 5 आएगा.
तो ये सारा डिविजन फैक्ट्स पर ही है. We will do this exercise. We will complete this exercise. Many questions are left, but in the next video. आज के वीडियो के लिए इतना ही. आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा तो अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड क्लियर योर डाउट्स इफ यू हैव एनी इन द ऑनलाइन क्लासेस. ओके, थैंक यू.